हेलो आर्मी, कैसे हो आप सब? यार कल आप लोगों के कमेंट्स तो बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत मज़ा आया कमेंट्स पढ़कर, बहुत बहुत अच्छे थे। और थैंक यू सो वेरी मच इतना प्यारा रिस्पांस देने के लिए। अच्छा जी, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है काइंडली मुझे बता दें कि आपको कैसा एफएफ चाहिए और मैं कोशिश करूंगी वैसा ही बनाने की। Now let's start a new part. But story start करने से पहले, don't forget to subscribe our channel. हैरी के माथे पर डेलो बल आए थे, पर तय को मुंह पर हाथ रखकर रोता देख वो नरम पड़ा। जाओ यहाँ से, इसे सर्द लहजे में तय से कहा। तो जान छूटने पर तय तेजी से रूम से बाहर निकला। माइक पहले मेंशन चलो, मुझे अपना लुक प्रोफेसर वाला बनाना है। ओके बॉस, इट्स लुक बेटर। आपको क्या लगता है आर्मी, जीवन पर ये सूट कैसा लग रहा है? क्या वो प्रोफेसर लग रहा है? और क्या आप पढ़ना चाहेंगे ऐसे प्रोफेसर से? जिमिना, ये सब तुमने फिर से ऐसी ड्रेसिंग की है? क्या किसी मीटिंग में जा रहे हो? जिन ने ममूल के खिलाफ इसकी ड्रेसिंग देखी तो पूछ लिया। वो डेडा, मैंने डैड की बात के बारे में बहुत सोचा और मैंने ये फाइनल किया है कि मैं प्रोफेसर ही ठीक हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर की डिग्री तुमने प्रोफेसर बनने के लिए ली थी? बच्चे बेवकूफ, इसे बनाओ जिन्हें तुम्हारा पता ना हो। मत भूलो, तुम्हें माफिया हमने ही बनाया है। और हाँ, ये काम जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी एक बच्चे की भी जिंदगी तबाह हो। डेडा, यू नो दिस? बेटा जी, तुम्हारा बाप हूँ मैं और आज भी तुमसे एक कदम आगे हूँ। यूं ही तो वर्ल्ड बेस्ट हैकर नहीं बना मैं। खैर, कोई हेल्प चाहिए हो देन लेट मी नो। श्योर डेडा, ये कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। यूनिवर्सिटी आकर सबसे पहले इसने एक नजर शीशे में खुद को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बाहर निकला। वो जहां जहां से गुजर रहा था, लोग रुक रुक कर इसे देख रहे थे, पर वो लापरवाह से आगे बढ़ रहा था, जैसे इसे ऐसी नजरों की आदत हो। जब अचानक इससे कोई चीज आकर टकराई, इससे पहले वो सामने वाला वजूद गिरता, जिमिना ने इसे कमर से थामा। शुगर, जिस यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के बुली कर रहे थे, वो इनसे बचकर भाग रहा था जब वो एक दीवार से टकराया। इसने गिरने के डर से आंखें बंद ही रखी, पर जब कमर पे किसी की सख्त गिरफ्त महसूस हुई तो फौरन आंखें खोल कर देखा। जीवन को गुस्से से घूर रहा था। अब अगर तुम्हें कंफर्म हो गया है कि तुम बच गए हो तो सीधे खड़े हो जाओगे? वो, I'm sorry. ऐसे भागने की वजह जान सकता हूँ मैं? इसे लगा जिस वजह से वो यहाँ आया है, शायद ये लड़का इस वजह से ही तो किसी से नहीं भाग रहा। शायद कुछ देख तो नहीं लिया इसने, डर तो नहीं गया? वो यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप है जो सबको बुली करता है। एक वीक से इनका टारगेट मैं हूँ। इसने गहरी सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। वो क्या से क्या समझ गया था। ठीक है, अब तुम अपनी क्लास में जाओ, अब मेरे को तंग नहीं करेगा। शिवा ने हमें सर हिलाया और वहां से क्लास में चला गया। वो बहुत बड़ी जगह थी जहां बाकी लोगों के साथ तय को भी रखा गया था, क्योंकि इसकी मुदखाई की रस्म में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया था। तय को वहां की छोटी से छोटी बात सिखाई जा रही थी, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, सब कुछ। और तय का ऐसे माहौल में दम घुट रहा था जब वो रानी भाई से इजाजत देता सारा घर देखने बाहर आया। बाहर गेट पे एक बूढ़ा बाबा था जो चौकीदार था।
कह हसरत से गेट को देख रहा था। जब बाबा ने इसे इशारा किया वो बहुत हैरान हुआ। इसने आगे बढ़कर जरा सा दरवाजा खोल दिया ताकि तय वहां से भाग जाए। तय ने एक नजर बाबा जी को देखा और फौरन गेट क्रॉस कर गया, ये जाने बगैर कि इसका ये कदम इसके सर पर कितनी कयामत लाने वाला है। वो कमरे में ऐसे ही बैठा था जब जिन ने आकर इसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ आर्यन, परेशान हैं आप? इसने आराम से पूछा। वो दोनों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं जिन, वो जो कर रहे हैं वो गलत है। इंतकाम, बदला, खून खराबा और बस कुछ नहीं, तुम्हारा लाडला जॉन जंगकुक एक सफाक कत्ल बन गया है। पार्क जिमिन, जिसे डॉक्टर ये सोचकर बनाया था कि लोगों का मसीहा बनेगा, पर वो चलती फिरती लाशें बिछाने की मशीन है। मैं क्या करूं जिन, आर्यन बेबसी से बोला तो जिन मुस्कुराया। आपको पता है आर्यन, मुझसे मोहब्बत होने से पहले आप भी ऐसे ही थे, पर जब हम मिले तो सब बदल गया। देखना अब भी ऐसा ही होगा। जिन तुम समझ नहीं रहे, ये तुम्हारी औलाद पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, जिन पर किसी चीज का कोई असर ही नहीं होता। फिक्र ना करो आर्यन, मेरा दिल कहता है कि वो वक्त करीब आ रहा है जब ये टूटेंगे, झुकेंगे, बिखरेंगे और फिर सिमट जाएंगे। देखना तुम, वो सुकून से बोल रहा था। इसने गहरी सांस ली, ये तो वक्त ही बता सकता है। जिन ने आगे बढ़कर आर्यन को किस किया ताकि वो उसे पुरसकून कर सके। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। You are the best, जिन। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरा मूड कैसे चेंज करना है। इसे जिन के चिक्स पर अपने होंठ रखे। वो माइक के साथ कुछ जरूरी चीजें डिस्कस करता हुआ जॉन मेंशन आ रहा था, जब एक धमाके से कोई चीज आकर गाड़ी के बोनेट से टकराई थी। What the hell? वो गुस्से से चीखा और गाड़ी से बाहर आया। सामने ही जमीन पर एक लड़का पड़ा था, शायद सर पर चोट आई थी। सो आर्मी, आपको आज का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये भी कि वो लड़का कौन हो सकता है, गेस करें।